मिलिए, ये है मेरी गर्लफ्रेंड आशिका। ओ गॉड, अशोक डार्लिंग, ये तो वही है ना जिससे मेरी कार टकराई थी। देखिए मिस्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी, मुझे पुलिस में मत देना। रिश्ता जी, ये औरत झूठ बोल रही है, मुझे पक्का यकीन है कि मैंने निधि को देखा था। ए, निधि, निधि क्या लगा रखा तूने? जब मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है कि उसने एक्सीडेंट किया है तो बात खत्म हो गई ना वहां पे। अगर तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे मांग ले, दे दूंगा तुझे, और फिजूल की बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे भी तो नशे में है, ना जाने क्या देखा होगा तूने। देखिए आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं फोन पे बात कर रही थी और टर्न लेते हुए आप अचानक से आ गए। शायद हम लोगों से भी गलती हो गई। चलो अभिषेक। इशिता जी, इशिता जी, आई एम सॉरी, लेकिन जिसे मैंने देखा वो निधि थी, मेरी यकीन क्यों नहीं कर रही? मैं यकीन करना चाहती हूँ तुम पे अभिषेक, लेकिन खुद को देखो, तुम नशे में धुत हो। पता नहीं तुमने क्या देखा, किसको देखा? मैंने देखा उस लड़की को अंदर, वो निधि तो नहीं थी कम से कम। इशिता जी, मैं नशे में था, अब नहीं हूँ। देखिए, एक पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाली की नजरें कभी धोखा नहीं कर सकती। पुलिस वाले थे, अब तुम सिर्फ एक शराबी हो जिसको खुद का होश नहीं है, तो प्लीज मुझसे दूर रहो। तुम ये प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए आप, प्लीज हटो, प्लीज। शराबियों, आपको यकीन दिला के रहूंगा वो निधि है। थैंक्स सो मच, वो लोग चले गए। यू आर वेलकम। हेलो, हाँ वो लोग निकल गए यहाँ से और लकीली उन्होंने मुझे देखा नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था और हमने किसी और लड़की को यहाँ पे बुला लिया था। पहले तो आप मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी, बहुत वारंट हो गई थी मैं। फिर लकीली आपने मुझे बाद में कॉल बैक किया तो मैं आपको इस सब के बारे में वॉर्न कर पाई। वैसे रोही, थैंक यू सो मच, आज अगर तुम मुझे इन्फॉर्म नहीं करती तो सबको पता चल जाता कि मैं जिंदा हूँ और तुम भी जिंदा हो, जो कि मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले। वरना एसीपी ने तो आज मुझे देख ही लिया था। वैसे रोही, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरी तरफ हो और उन लोगों के खिलाफ। मैं आप ही की तरफ हूँ मैम, आखिर आप ही ने तो मुझे बचाया है, आप ही ने तो मुझे पाला है। आज मैं जिंदा हूँ तो आप ही की तो वजह से हूँ। मेरी मम्मी पापा ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। डोंट वरी, मैं आप ही की साइड पर हूँ। गुड गर्ल। इशिता यहाँ से निकल चुकी है, इसलिए प्लीज अपने फोन से भी मेरा नंबर डिलीट कर दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी और मेरी बात होती है। यस मैम। गुड नाइट। अंकल जी, ये सोसाइटी मैनेजर का चेक। वैसे अय्यर साहब, कल भल्ला जो आपके बीच में इतना ड्रामा हुआ, ये बात ठीक नहीं है। आप लोग आपस में बैठकर मामला सुलझा क्यों नहीं लेते? क्या बताओ मतलब जी, ये मसला हल ही नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी सेक्रेटरी अंकल, मुझे आपसे इशिता अय्यर के बारे में बात करनी है। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वो खेलने जा रहे हैं। हाँ, चल रही। आराम से, आराम से। अरे बेटा, चुप क्यों हो गया आप? बोलिए ना। जी जी, वो मैं रिसेंटली इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ, वो मिस्टर प्रतीक शर्मा का फ्लैट है ना, मैं उसमें रह रही हूँ और मैं अपना फ्लैट इशिता अय्यर के साथ शेयर कर रही हूँ। जी वो एक्चुअली मैं कंप्लेन करने आई थी, वो कल इशिता अय्यर के एक फ्रेंड आए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, बहुत ज़्यादा नशे में थे वो, उन्होंने हमारी बेल बजाई और इतना बड़ा तमाशा कर दिया। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कितना डर गई थी। और देखिए, मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकती, मेरे साथ उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन इट्स जस्ट नॉट सेफ फॉर मी। पर अब जो आप सेक्रेटरी है यहाँ के, इसीलिए मैं आपसे ये कहने आई हूँ, किसी भी रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में ये होना सेफ नहीं है और इस औरत को यहाँ नहीं रहना चाहिए। और सोसाइटी के भी तो कुछ रूल्स होते हैं ना, ऐसे कोई भी कैसे आ सकता है ऊपर, किसने भेजा उसे ऊपर? कल मैंने भी रात में बहुत शोर सुना था, एक शराबी शराब पीकर हमारी सोसाइटी में घुस आया और गार्ड ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो माना ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, शायद वो इन्हीं के यहाँ गया होगा। जी हाँ, वो मेरे यहाँ आए थे, देखा मैंने कहा था ना, ऐसे वो ड्रंकर्ड हमारे घर तक आ गया
और इशिता अय्यर ने उसे अलाउ भी किया, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इट्स रियली नॉट सेफ फॉर मी। प्लीज आप कुछ कीजिए, मुझे नहीं लगता उसे यहाँ रहना चाहिए। और देखो बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैं इशिता का पापा हूँ। हम एक काम करते हैं, हम इशिता के साथ बैठते हैं, उससे बात करते हैं कि वो आदमी कौन था, क्यों आया था। आई एम श्योर बेटा कि कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। और देखो बेटा, किसी के बारे में इस तरह जजमेंट नहीं करना चाहिए। मिस्टर अय्यर सही कहते, मैं इशिता को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। पर मिसेस पटेल, हम तो नहीं जानते, हम तो यहाँ 3 साल पहले शिफ्ट हुए हैं। कौन है ये इशिता? मैंने तो सुना ये 7 साल पहले गायब हो चुकी थी और अब अचानक आ गई। और अगर आ गई है तो उसे अपने माँ बाप के घर या अपने ससुराल रहना चाहिए। वो ये किराए के मकान में उसको रहने की क्या जरूरत है? I just hope कि सब मेरी बात को सीरियसली लें और इशिता को इस बिल्डिंग को छोड़कर जाना पड़े। यही एक तरीका है जिससे मैं इशिता और पापा को दूर रख सकती हूँ। अब आप ही बताइए, आप प्लीज उन्हें निकलवाइए यहाँ से, इट्स रियली नॉट सेफ। हाँ ठीक है बेटा, उसके बारे में कुछ सोचता हूँ। थैंक यू। पता नहीं ये इशू के साथ क्या हो रहा है। पहले रमन उसे यहाँ नहीं रहने देना चाहता था, अब ये लोग भी। आई डोंट केयर आप लोग ये सब कैसे करते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करना ही होगा, वरना मेरा प्रोडक्शन का काम रुक जाएगा। और अगर मेरा कंसाइनमेंट टाइम पे पूरा नहीं हुआ, आई विल ड्रैग यू टू कोर्ट। मुझे मेरा रॉ मटेरियल चाहिए बस। ठीक, वो वॉइस और रेस्टलेस। मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, बट प्लीज कीप योर काम, आप गुस्सा मत होना। अब क्या हुआ? एक लॉयर फ्रेंड है, कह रहा था कि उसे पता चला कि इशिता भाभी यू की कस्टडी के लिए ट्राई कर। पीहू की कस्टडी मतलब? She wants पीहू। किस हक से वो कस्टडी मांग रही है? One second, किस हक से मांग रही है वो? उसे मेरी बेटी को छीनेगी, जान से मार दूंगा अगर पीहू के बारे में सोचा भी तो उसने। Please calm down। Look, किसी भी कीमत पर पीहू मुझसे दूर नहीं होगी। I can't live without her। मैं मर जाऊंगा seriously। दिल्ली का सबसे सबसे expensive सबसे best lawyer आएगा। And I don't care what you do, या तो मैं उसे मार दूंगा या I swear। भाई कुछ नहीं होगा, पीहू कहीं नहीं जाएगी। मैं अभी जाके लॉयर से मीटिंग करता हूँ, आप प्लीज काम डाउन रहो। डोंट वरी। हल्के लिए इशिता। वो हार वाली आंटी मुझे ले जाना चाहती है पापा और मम्मा से दूर। नहीं, मुझे पापा और मम्मा को नहीं छोड़ के जाना। आप? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। थैंक यू। मैं मिसेस अय्यर हूँ, मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ। तुमने इशिता के अगेंस्ट कंप्लेंट किया था ना, तो अब सोसाइटी वालों ने डिसाइड किया है कि इशिता को यहाँ नहीं रहने देंगे। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। अब मैं शांति से रहूंगी। और मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करने आई थी कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, इशिता ऐसी नहीं है। तुमने जो कुछ भी देखा है शायद तुम डर गई थी। इशिता बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो कुछ गलत नहीं कर सकती, वो किसी को हार्म नहीं करेगी। मेरी बात मान लो प्लीज। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे जो कहना था वो मैंने सेक्रेटरी अंकल को कह दिया। अगर आपको भी कुछ बोलना है तो प्लीज आप उनसे बात कीजिए, मुझसे नहीं। मैं, इशिता मेरी बेटी है, वो बहुत सालों के बाद वापस आई है। अगर तुम उसे निकाल दोगे तो वो फिर से चली जाएगी। वो ऐसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, उसके साथ बहुत बुरा हो गया है, वो कभी किसी को हार्म नहीं कर सकती। बिलीव मी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। आप क्या कर रही हैं? पार्टी? तुमने मुझे पार्टी बोला? मैं हूँ ही तुम्हारी पार्टी, मैं तुम्हारे पार्टी जैसी हूँ। वो एक्चुअली सोसाइटी के बच्चे आपको पार्टी बोलते हैं ना, तो मैंने सोचा मैं भी। कोई बात नहीं, तुम भी मुझे पार्टी बोल सकती है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बात मान लो चिंगारे कुट्टी, तुमने मुझे पार्टी बोला है ना, तो वो कंप्लेंट वापस ले लो। प्लीज मेरे लिए,
प्लीज गुड्डी। ठीक है फाइन, मैं कंप्लेन वापस ले लूंगी। अयो थैंक यू नंद्री शिंगर गुड्डी। तुम्हें पता है मेरी भी एक नाती थी बिल्कुल तुम्हारे जैसी। अब तुम्हारी एज क्या है? 15 साल। हाँ वो भी आज होती तो 15 साल की होती। और कोइंसिडेंस की बात ये है कि उसका नाम भी रूही था जैसा तुम्हारा इलैया, पर अब वो नहीं है। तुमने कंप्लेंट वापस ले ली राजती। अयो ये क्या, ये तुम्हारे इतने अच्छे बाल पर इतने ड्राई है, तुम्हारी अम्मा तुमको तेल नहीं लगाती? ये इतने अच्छे लंबे घने बाल और सो ड्राई। इरे मैं अभी आती हूँ, रुकना, किधर जाना नहीं है, मैं अभी आई। इरे क्यों मैं एक स्टैंड नहीं ले पा रही, क्यों मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ अपने अपनों को देखकर, क्यों इतनी कमजोर पड़ रही हूँ मैं? लेकिन मैं क्या करती, भाभी को कैसे मना करती, वो तो रो रही थी। इट्स ओके, आज मुझे पता चल गया कि मुझ में और रिश्ता में क्या फर्क है। मैं चाहती तो उसे यहां जाने से मजबूर कर देती, लेकिन नहीं, मैं उसकी जैसी बिल्कुल नहीं। मैं अपने अपनों को दर्द नहीं दे सकती। राइट सी, ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस वील कम एंड मीट यू। ऑलराइट ओके बाय। अभी किला इशिता को जान से मार दूंगा अगर पीरू के बारे में सोचा भी तो उसने। प्लीज काम डाउन, आप स्ट्रेस लेना बंद करेंगे, लॉयर से बात कर लिए और जब उससे मिलेंगे प्लीज ठंडा दिमाग रखना। अरे दिमाग ठंडा कैसे रखूं यार, यही प्लान था ना उसका कि यहां आएगी और पीयू को मुझसे छीनेगी। प्लीज काम डाउन, वी हैव टू टेक थिंग्स इजीली और सोच समझ के काम करना पड़ेगा। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूं, कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे फोन कर देना। ऑलराइट प्लीज टेक केयर। अच्छा मिस्टर रमन आप यहीं पे मिल गए। क्या हुआ? सोसाइटी ने डिसाइड किया है इसी तरह को ये बिल्डिंग छोड़कर जाना ही पड़ेगा। उनके साथ जो लड़की रहती है उन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट की है, वो सेफ्टी इशू है उनका, इसलिए सोसाइटी ने ये डिसीजन लिया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि उसे निकाल के बाहर फेंक दो, पर खैर देर है दुरुस्त है। थैंक यू सो मच। जी रमन जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। तुम्हारा घर जाना है? प्लीज रमन, मैं बातचीत नहीं कर रही हूँ ना आपसे। आप बात नहीं कर रहा, मैं फैसला सुना रहा हूँ, तुम यहाँ नहीं रह सकती बस। आप फैसला नहीं ले सकते, मैं इसी घर में रहूंगी। मुझे फैसला लेने का पूरा हक है अगर तुम्हारे इरादे मेरी बेटी को मुझसे दूर करने के हो तो। कि ये इस घर में रहोगी, इस बिल्डिंग में रहोगी, पीहू के आसपास रहोगी, उसे मुझसे छीनोगी, पीहू की कस्टडी के बारे में सोचना भी मत। एक मिनट, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है रमन, आप बस जबरदस्ती कहानियां बनाए जा रहे हैं। प्लीज रमन मुझे जाने दीजिए। तुम यहाँ से जा नहीं सकती और मैं तुम्हारी सोच को अच्छी तरह जानती हूँ। रूही के बाल भी ऐसे ही थे, लंबे घने, उसको तेल लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बोलती थी हाटी जब मैं तेल लगाती हूँ ना तो मैं तेलू चंपू लगती हूँ। आयो पर मैं उसको छोड़ती रहती, मैं भी उसको स्टोरी सुना के कुछ बातों में बहला के उसको तेल लगाती थी, उसके बाल। मैं वही सोच रहा हूँ जो तुमने किया है, सोच समझ के आज तक सिर्फ तकलीफ दी है, दुख दिया लोगों को तुमने। ये तो रमन की आवाज है। तुम्हारी वजह से आज मेरी रूही इस दुनिया में नहीं है।
मेरी जिंदगी में ना चैन है ना सुकून है। मेरा पूरा परिवार परेशान रहता है तुम्हारी वजह से। दो पल है सुकून के जीने लो सबको यार प्लीज। क्यों प्रेशर लिए जा रहे हो? आपके बैक में पेन हो रहा है। झूठा दिखा अपने पास रखना यार प्लीज। वो ऑस्ट्रेलिया वाले ना वो मान लेंगे। तुम्हारा असली चेहरा असली रंग रूप जानता हूँ मैं। रमन मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ आपसे, जस्ट काम डाउन प्लीज। बैठ जाओ, आपको बैक में पेन हो रहा है। मुझे चैन तभी मिलेगा जब तुम्हें यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दूंगा मैं। सो आउट। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया, मैं नहीं जा रही हूँ। ये मेरा फैसला नहीं है, सोसाइटी का फैसला है। उन्हें भी तुम्हारा असली रंग पता चल गया है। सो आउट। रमन क्यों? रमन तुम क्यों इशू के पीछे पड़े हुए हो? देखो मेरी बात सुनो, इशू यही रहेगी और कुछ नहीं होगा, समझे? ये यहाँ नहीं रह सकती। ये फैसला मेरा नहीं है, सोसाइटी का है। सेक्रेटरी साहब खुद मुझे बोल के गए कि इससे बाकी सोसाइटी मेंबर्स को थ्रेट है, उनकी सेफ्टी खतरे में। बेटी को ठीक से अपने पाल पोस के बड़ा नहीं किया होगा। सो आउट। रमन तो कुछ भी बात नहीं, अंदर चल के नहीं पड़े तो बेहतर है प्लीज। सामान खुद पैक करो या मैं उठा के बाहर फेंक दूं। अभी इसी वक्त इस सोसाइटी से बाहर निकलो। अरे ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? तू भी चल, तुम इसको नहीं निकाल सकते। ईशिता ने इधर का रेंट भरा है, किराए पे घर लिया है, ये नहीं जाएगी। वो लड़की आपकी बेटी से खतरा महसूस करती है, सो प्लीज अपनी बेटी से कहिए यहाँ से दफा हो जाए। हो रहा हूँ, तुम बाड़े थे, ये किधर नहीं जाएगी। रुई इंगवा इधर आओ, इधर आओ। इनको बोलो तुमने कंप्लेंट वापस लिया है, बोलो चले। एक मिनट, दैट्स नॉट पॉसिबल। तुमने कंप्लेन वापस क्यों नहीं? इन लोगों ने धमकाया तुम्हें, डराया ना? डरो मत, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं हूं तुम्हारे साथ। सच बताओ क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, इसने अपने आप बोला है कि ये कंप्लेन वापस लेगी, है ना? इलैया बोलो कुट्टी बोलो, इनको बोलो, इनको बताओ। सच बताओ, तुमने अपनी मर्जी से कंप्लेन वापस ली है? पुलिस किसने बुलाई? सब क्या है आदि? पुलिस? व्हाट? पुलिस को मैंने बुलाया। आदि क्या है ये सब? क्योंकि आप मेरी मॉम को परेशान कर रहे हो, उन्हें टॉर्चर कर रहे हो। तू जानता है इसका नतीजा क्या हो सकता है तेरे साथ? इंस्पेक्टर साहब देख लिया आपने इनका गुस्सा? ये मेरी माँ के साथ इससे भी बुरा सलूक करते हैं। आप प्लीज इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। मिस्टर भल्ला, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, आपके खिलाफ कंप्लेन आई है। और तुम भी अपनी मदर को लेकर पुलिस स्टेशन में आओ, जल्दी चलिए। अंदर चलो पीहू बेबी प्लीज, चलो। पापा आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? प्लीज बताओ ना। पीहू बेबी आपके पापा के साथ दादू और आदि भैया है ना, वो देख लेंगे, संभाल लेंगे, आप चलो प्लीज, चलो ना। नीलू दीदी प्लीज बताओ ना, पापा आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? प्लीज बताओ। बेटा वो आ जाएंगे, आप चलो अंदर।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।